हमारी जाती जिंदगी में किसी को दखलंदाजी करने का कोई हक नहीं है। गुस्ताखी माफ जहां पर, लेकिन दरबारियों का कहना भी सही, रियाज बेग का खान, हाँ रियाज बेग के खानदान का नाम उछाला जा रहा है। रियाज बेग ने कुछ हेर फेर करी और हमने उन्हें माफ कर दिया। रियाज बेग के बेटे और दामाद ने हमारे साथ गद्दारी की, सब जानते हैं, लेकिन इसी रियाज बेग ने सालों साल हमारे अब्बू जान की खातिरदारी की है। इसी रियाज बेग का बेटा आज हमारी फौज का सबसे वफादार अफसर है। इसी रियाज बेग के सारे खानदान ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे इस किले को बचाया है, और उसी रियाज बेग के बेटे को हमने अभी मौत की सजा सुनाई है। कोई इस बात पर गौर क्यों नहीं कर रहा है? जहांपनाह, हम बस इतना कहेंगे कि दरबारियों की मुखालफत को नजरअंदाज कर उन्हें नाराज करना हमारे लिए फायदेमंद साबित नहीं हो। अंग्रेजों के साथ तजारत शुरू करने के लिए आपको उनकी मंजूरी की जरूरत है। आगे चलकर आप कांधार पर कूच करना चाहते हैं। ये सब दरबारियों की इजाजत के बगैर कैसे होगा? हम हिंदुस्तान के बादशाह हैं महावत, हमें किसी की मंजूरी की कोई जरूरत नहीं। तो ठीक है ना? शाही महल से कोई पैगाम आया? जहां बना के खत के अलावा और कुछ नहीं। भाईजान, हमें महल जाना ही होगा। आप हमें ले चलेंगे ना? महल जाना चाहती है? क्यों? क्यों मतलब? बादशाह से मिलने और क्यों? तो कब तक उनके पीछे दौड़ती रहेगी? बादशाह हमसे मोहब्बत करते हैं भाईजान, और हम उनसे। क्या हम कुछ भी ना करें, बस यूं ही बैठे रहे? तुझे दिखाई नहीं दे रहा निशा, ये वही पुरानी दास्तां है जो खुद को दोहरा रही है। इस वक्त बादशाह को तुझसे मिलने आना चाहिए, ताकि तुझे उनसे। हम उनकी इज्जत करते हैं, उनके इरादे हमेशा अनेक रहे हैं, लेकिन इस वक्त महज खत लिखने से कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ करना होगा। वो कुछ करने की कोशिश कर रहे होंगे, वो भी उतने ही। तूने उनके लिए क्या क्या नहीं किया? अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी, अपनी जान को जोखिम में डालकर तूने किले की हिफाजत की, अपने शौहर से तलाक तक मांगा तूने। बंगाल से आगरा तक तुझ पे क्या बीती है हम जानते हैं। तूने जो करना था वो तूने कर लिया, अब उनकी बारी है। हमें यकीन है वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। हम भी यही दुआ करते हैं तेरी खातिर। जहां पर ना, ये आपका नया जहाज है। ये गुजरात और मक्का के बीच सफर करेगा। इसमें 400 से ज्यादा लोगों के लिए जगह है, और साथ ही इसमें तिजारत का सामान भी लाया जा सकता है। जहां पना, अगर आपका हुक्म हो तो हम बाद में आ जाएंगे। बेहतर होगा।
हमें आपकी चिंता हो रही थी, इसलिए हम आपसे मिलने चले आए। शुक्रिया बेगम, लेकिन आपको यह जहमत उठाने की जरूरत नहीं थी। हम जानते हैं कि आप चिंतित हैं, परंतु परेशान होने से समस्या तो हल नहीं हो जाएगी ना। और पाशा बेगम होने के नाते हमारा एक कर्तव्य है कि हम आपको याद दिलाएं कि आपको नाप तोल कर परिस्थितियों को देखना होगा, इससे पहले कि लोगों के सब्र का बांध टूट जाए। आप कहना क्या चाहती हैं बेगम? हम जानते हैं कि आप मेहरुन्निसा से बहुत प्रेम करते हैं, परंतु उसके लिए दरबार की शांति भंग करना उचित नहीं। आप हमारी परेशानी दूर करने आई हैं या हमें और परेशान कर रहे हैं? दरबारियों ने आपको मेहरुन्निसा से विवाह करने पर रोक लगाई है, प्रेम करने पर नहीं। हम जानते हैं कि आप उसे सदैव प्रेम करते रहेंगे, और हम भी आपको इस बात के लिए नहीं रोकने वाले। थोड़ी जलन अवश्य होगी, परंतु ठीक है, लेकिन आप इसके लिए अपने मन की शांति भंग मत करिए, वरना हमारे हिस्से का जो थोड़ा सा प्रेम है वो भी हमें नहीं मिल पाएगा। आप हमें थोड़ा प्रेम तो करते हैं ना? हमारे लिए इतना ही बहुत है, हम आपको बस खुश देखना चाहते हैं। और एक बात मत भूलिए जहांपनाह, आप मेहरुन्निसा को जीवन भर प्रेम कर सकते हैं, इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है। चलते हैं। हुजूर, जहांपनाह ने आपके लिए पैगाम भेजा है। हम आपकी बेटी मेहरुन्निसा से मिलने की इजाजत मांगते हैं। ये आपके लिए। शुक्रिया। पसंद आया? जी। निशा, हम आपके लिए खुशखबरी लेके आए हैं। हम बहुत जल्द आपको यहां से ले जाएंगे। क्या दरबारियों ने रजामंदी दे दी है? नहीं, लेकिन हमें उनकी रजामंदी या उनकी सहमति की जरूरत नहीं है, और ना ही उसकी परवाह। हम आपको अपने साथ अपने जनाने ले आना चाहते हैं। जनाने में? लेकिन अगर दरबारियों ने जनाने में किस हैसियत से? आप हमारी इकलौती मोहब्बत हैं, उस हैसियत से हम आपको अपने नजदीक रखना चाहते हैं। इससे अहम और क्या है? हम सारी तैयारियां। आप खुद को समझते क्या है और आप हमें क्या समझते हैं? आपने ये सोच भी कैसे लिया कि हम आपके साथ आ जाएंगे जनाने में आपकी रेल बनकर? देखिए, हम आप हर नए दिन से एक नया खेल समझ सकते हैं, लेकिन हम नहीं। माफ कीजिए जहांपनाह, लेकिन ये कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। क्यों मुमकिन नहीं हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? निशा, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? इस तरह जिंदगी भर हम एक दूसरे को प्यार दे सकते हैं। जिस प्यार के नाम हमने इतने साल सारे दर्द झेल लिए, उसका ये सिला दे रहे हैं आप हमें? ऐसी नजदीकी हमें नहीं चाहिए जिसकी वजह से पूरी दुनिया हमारे और हमारे खानदान के नाम पर थूके। हम इतने गिरे हुए नहीं हैं। ऐसा प्यार हमें नहीं चाहिए। यहां हम इस मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और आप हैं कि क्या सिर्फ हम आपसे मोहब्बत करते हैं?
आप हमसे नहीं? मोहब्बत में शर्त नहीं रखी जाती। हमने तो आपसे कभी ये नहीं कहा कि अपनी बादशाहत इस प्यार के नाम कर दीजिए। आपने पहले ही हमसे कह दिया होता कि आपको अपनी बादशाहत हमसे ज्यादा अजीज है। हम आपका यह तोहफा कबूल नहीं कर सकते। हमारे पास खोने के लिए कोई बादशाहत नहीं है, सिर्फ अपनी इज्जत है और वो हम नहीं खो सकते। इजाजत दीजिए जहां भला। जहांपनाह से ऐसे बेरुखी से बात करना क्या लाजमी था? तो हम क्या करते अब्बू? आप क्या चाहते कि हम राजी खुशी उनकी रानी बन जाएं? हमसे ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है बेटा। हम आपका दर्द समझते हैं, लेकिन इस वक्त बादशाह के हाथ बंधे हुए हैं, फिर भी वो तुम्हें अपनाना चाहते हैं। कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप बेगम। आप ईसा को अपना कर वो उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे। अगर इसे इसका सही ओहदा और इज्जत वो नहीं दे सकते तो नीसा को भी उनकी कोई जरूरत नहीं। आप दोनों माँ बेटी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आप नहीं समझ रहे। जब देखो अपनी मजबूरियों का सहारा लेकर आप कमजोर फैसले लेते आए हैं। आपको क्या लगता है सल्तनत में छिपे हुए हमारे दुश्मन आपकी बेटी को बेगम बनने देंगे? वो सब हमें नहीं पता, लेकिन नीसा जनाने में नहीं जाएगी। जनाने में आने से मना करती है? खबर पक्की है बादशाह बेगम। यानी हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। हमने सोचा आप ये खबर सुनकर खुश होंगी। हमारी योजना थी कि जहांपनाह के प्रेम को हवा दें, जो कि सफल हुई। इससे अच्छी और क्या बात होगी कि जहांपनाह स्वयं ही मेहरुन्निसा को अपने जनाने में बुला लें। हम समझे नहीं पाशा बेग, उन्हें यहां जनाने में बुलाकर जहांपनाह के करीब लाने से आपको क्या मिलेगा? यही तो आप मात खा गए ना वजीर आजम। जनाने के खेलों से अभी आप अनभिज्ञ हैं। वो इसलिए नहीं आना चाहती क्योंकि जनाने में आने के बाद उसे रानी का स्थान मिल जाएगा, और यही तो हम चाहते हैं। और एक रानी से विवाह की अनुमति दरबारी तो क्या, देश का आम आदमी तक नहीं देगा। और ये किस्सा यहीं का यहीं समाप्त हो जाएगा। और आपके ओहदे को कोई खतरा नहीं होगा। बहुत खूब। और क्या पता हम एक रात आपको भी उसे परखने का मौका देते। वैसे भी जहांपनाह की काफी कनीजों को तो आप परख ही चुके हैं। इस औरत को जनाने में लाना पड़ेगा महाबत खान। हमें ही कोई उपाय सोचना होगा। चलते हैं, देर हो रही है। खुर्रम, आप यहां कब से खड़े हैं? आप यहां? आप निशा के बारे में कैसी बातें कर रही थी? कैसी बातें? हम तो उसे जनाने में अपनाने की बातें कर रहे थे। नहीं, आप उसे बेइज्जत करने की बातें कर रही थी, उसे रानी बनाने की बातें कर रही थी। तो और क्या करें? उसे अपना स्थान दे दें? उस औरत को जिसने वर्षों से हमारे वैवाहिक जीवन में अशांति घोल दी, जिसके कारण हमारे पति हमारी कदर नहीं करते। आप हमारे स्थान पर होते तब समझते। और आपके प्रिय अब्बू, जिनके लिए आप इतना समर्पित हैं, जिन्हें इतना प्रेम करते हैं,
कल को अगर वो अपना तख्त उठाकर किसी और को दे दे तो आप क्या करेंगे? इसी प्रकार उनके भक्त बने रहेंगे या फिर अपना स्थान छोड़ देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। होगा, सब होगा, जब ये बचपने का मुखौटा उतरेगा और आपके अपने प्रिय अप्पू आपकी ही बादशाहत के सामने चुनौती बनकर खड़े हो जाएंगे। अगर आप बादशाह नहीं बनना चाहते और यूं ही अपना जीवन बिता देना चाहते हैं, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है खुर्रम। अभी आप बच्चे हैं, बड़े होंगे सब समझ आ जाएगा। फूफी, आप वो जहां पर ना पहले कहां मिले थे जब आप रुकए बेगम के जनाने में काम करती थी? नहीं तो हम उनसे पहली बार लाहौर के बाजार में मिले थे। शाही महल से खादिम आया है। अस्सलाम वालेकुम असमत बेगम, कैसी हैं आप? जी अच्छी हूँ, सब खैरियत? ये बेमौके कैसे आना हुआ? हम बेमौके कहाँ हैं, इतनी खुशी का मौका है। आदाब अर्ज है मेरुनिसा। अरे कमबख्तो, देखते नहीं जहां पना के दिल की धड़कन हमारे रूबरू है? तोहफे तो लाओ। ये जहां पना ने भेजा है? ये जहां पना ने नहीं, पाशा बेगम ने भेजे हैं खास आपके लिए। उन्हीं के कहने पे तो हम यहां आए। अम्मी आप अंदर जाइए। ये सब क्या है? पाशा बेगम जानना चाहती हैं तुमने जनाने में आने की तारीख पक्की की या नहीं। इस सिलसिले में हम जहां पना को जवाब दे चुके हैं होशियार। देखिए, पाशा बेगम खुद जनाने में आपका इस्तकबाल करना चाहती है। ठंडे दिमाग से सोचिए, क्यों जनाने में आने का आखिरी मौका गवा देना चाहती हूँ? पाशा बेगम को हमारी तरफ से शुक्रिया अदा कीजिएगा, लेकिन हम अपना फैसला सुना चुके हैं और अब आप जा सकते हैं। अपने बिखरे हुए अरमानों को लेकर ऐसे ही मुंह बनाए जीती रहोगी? जाने से पहले एक बात बता देते हैं, जरा सोचिए, आगे की जिंदगी अपने जहांगीर से दूर होने के बजाय तुम उनके करीब रह सकती हो। तुम एक विधवा हो, किसी और के बच्चे की मां, फिर भी जहां पना और पाशा बेगम तुमको अपनाने के लिए तैयार है। कौन करेगा तुमसे निकाह? जनाने में तुम्हारी इज्जत होगी, अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में सोचो, अपनी मोहब्बत के बारे में सोचो। हटा दो ये तोहफे, आपस में बांट लेना। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.